नमस्कार, आज बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार की। सरकार आज बुलंदियों पर है, इसलिए उन्हें गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए कई लोग लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। सरकार ने एक कथा के दौरान बता दिया, खुद बताया है उन्होंने कि हमारे कौन कौन से दुश्मन बन जाते हैं। सरकार कहते हैं, अच्छा हमारा दुश्मन कौन है? सरकार मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिसकी हमने पोल खोल दी वो दुश्मन है। सरकार कहते हैं, दूसरा दुश्मन वो है जो हमसे मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आते हैं BIP प्रोटोकॉल से, लेकिन हमने ठठरी बार दी। फिर वही लोग बाहर जाके बोलते हैं यहाँ खराब है, और ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ खराब है, कोई काम नहीं होता, ऐसी चीज़ें जाकर बाहर बोलने लग जाते हैं। यानी सरकार कहना चाहते हैं, ऐसे लोग ही बाद में बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर धाम बालाजी को बदनाम करते हैं। और फिर सरकार आगे कहते हैं, तीसरे दुश्मन वो, क्योंकि हम हमेशा सनातन की बात करते हैं, इसलिए वो लोग जो रावण के खानदान के हैं वो आगे के लगे हमारे दुश्मन हैं। आगे सरकार कहते हैं, और कोई दुश्मन नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में हमारे गुरुजी के चमत्कार और उनकी दिव्य शक्तियां पूरे विश्व को अचंभित कर रही हैं। हमारे सरकार अंग्रेजन तक की ठठरी बार आए हैं। अंत में आपको जय श्री राधे तो बोलना पड़ेगा। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो।